हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 3D रोज़ यानी गुलाब बनाना सिखा रही हूँ, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। ये मैंने तीसरे टाइप का गुलाब बताया है जो ये 3D इफ़ेक्ट देता है। फ्रेंड्स, इसे आप कहीं भी फ्रॉक है, कुशन है, जहाँ भी सजाने की आपकी इच्छा करे, बैग में, हेयर बैंड में, कहीं भी आप इसे बना के लगा सकते हैं। आप इसे बहुत अलग अलग कलर में बना सकते हैं, जितने टाइप के, दो रंगा भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, इससे मुझे नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। आइए अब शुरू करते हैं। ये गुलाब मेरा थोड़ा छोटा साइज़ का है और ये थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसमें मैंने 65 चेन लिया है और इसमें मैंने 100 चेन लिया है। बुनाई एकदम सेम है, सिर्फ चेन थोड़ा ज़्यादा छोटा बड़ा का। तो मैं अभी 65 चेन का बनाना बता रही हूँ। लूप बनाएंगे, फिर ये 2.5 mm का क्रोशिया है। इस तरह हम 65 चेन पहले बना लेंगे। इस तरह ये चेन बना लेंगे हम, 65 चेन मतलब 65 चेन। फिर यहाँ हम ऐसे पकड़ लिए, फिर यहाँ से 1, 2, 3 तीन और बनाएंगे, और यहाँ से 3 छोड़ के चौथे वाले चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद हम डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे, एक पूरा लाइन। इससे पहले मैंने जो गुलाब बनाए हैं सब अलग अलग तरीके के, एक बड़ा गुलाब बनाया है और एक छोटा, वो दोनों अलग अलग डिज़ाइन से बने हुए हैं। ये एकदम अलग डिज़ाइन है, क्योंकि ये 3D इफ़ेक्ट इसका आता है, थोड़ा मोटा दिखता है। इसी तरह हम पूरा लाइन डबल क्रोशिया से बना लेंगे। ये एक लाइन मैंने डबल क्रोशिया से बना के रखिया, ये हो गया यहाँ का। अब यहाँ हम सिर्फ एक चेन लेंगे और यहाँ से घूम जाएंगे, यानी टर्न ले लेंगे। फिर हम यहाँ से लूप लेंगे और इसके जस्ट बगल में जो ये होल दिखाई दे रहे हैं, इन सभी में बुनाई जाएंगे। यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, फिर इसी होल में एक और बनाएंगे दो, फिर बगल में डबल क्रोशिया, इसी होल में एक और, फिर इस होल में एक डबल क्रोशिया, फिर इसमें एक और, उसके बाद में फिर इसमें भी एक डबल क्रोशिया और यहाँ एक और। देखिए इस तरह से पहले हमने एक चेन बनाया, फिर एक होल में दो डबल क्रोशिया, फिर दूसरे में दो डबल क्रोशिया, फिर तीसरे में दो डबल क्रोशिया, चौथे में भी दो डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से सीधे आएंगे, यहाँ इस तरह से लेंगे और पहले वाले लूप में से इसको बाहर कर लेंगे, तो हमारा ये एक डिज़ाइन रेडी हुआ। फिर यहाँ से हम लूप लें और इस बगल वाले में आके दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हुआ और ये दो, फिर यहाँ दूसरे वाले में दो डबल क्रोशिया, एक ही होल में
फिर तीसरे वाले में भी एक होल में दो डबल क्रोशिया, चौथे वाले में भी एक होल में दो डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से हम इसमें आएंगे और यहाँ इसके नीचे से कर दिए, तो ये हमारा दो पंखुड़ी रेडी हो गए। फिर यहाँ से हम ये छोड़ देंगे इसमें आके, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, फिर दूसरे होल में एक डबल क्रोशिया, दूसरे में भी डबल क्रोशिया, फिर इस होल में एक डबल क्रोशिया और एक दो डबल क्रोशिया, एक दो, ये हो गया हमारा। देखिए एक में दो तीन चार, चार में हो गया। फिर यहाँ नीचे हम आएंगे, यहाँ से हमने तीन पंखुड़ी रेडी किए। आगे हम पूरा इसी तरह से बना लेंगे। इस तरह मैंने सारी पंखुड़ी बना ली है और यहाँ अब मैं इसे लास्ट में यहाँ टांग दूंगी। यहाँ से मैं इस तरह से खींच लूँगी और थोड़ा लंबा धागा, मतलब इतना बड़ा धागा कट कर देंगे। इस तरह से निकाल के और इसे खींच देंगे, तो हमारा रेडी हो गया। अब हम इसे इस तरह से पहले ऐसे रखेंगे थोड़ा सा टेढ़ा, और ये नीचे रहेगा यहाँ से ऐसे। फिर इसके बाद ऐसे थोड़ा हल्के हाथों से इसे रोल करेंगे, एकदम हल्के हाथों से। ये देखिए इस तरह से ये हो गया। अब इसको हम सिलाई करेंगे, इस तरह से थोड़ा सा इसे दबा दें, हल्का सा लूज लुक दे दें ऐसे, फिर ऐसे पकड़ लें। और फिर यहाँ से हम लास्ट वाले को भी लेके वर्क करेंगे। पहले एक लेंगे, फिर ये दूसरा वाला लाइन, फिर तीसरा वाला, चौथा, यहाँ से पूरा हम सिलाई करें। सभी लाइन के साथ यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे। पहले एक बार इधर उधर करके सभी को पकड़ा दें।
यहाँ से नॉट लगा के हम यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद ये हमारा सिलाई हो गया। फिर हम इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा सा नीचे का साइड का ऐसे लुक दे देंगे और इसे थोड़ा सा घुमा देंगे। तो देखिए हमारा थोड़ा सा इस तरह से खींच के देखिए हमारा रोज 3D इफेक्ट लिए हल्का मोटा।